हे हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि आपने देखा कि 70% अबोव मार्क्स इन जस्ट 1 मंथ। जी हाँ, तो आप सही देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो सेल्फ भी फॉलो किया हुआ है और इस ट्रिक को प्रैक्टिकली फॉलो भी किया गया है, और रिजल्ट 1 मंथ में चौंका देने वाला है, और ये आपको 100% आपको विनर बनाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो को सिर्फ रेडटेक स्टूडेंट या पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि हर कॉम्पिटिशन फाइट, नीट और जो भी कॉम्पिटिशन फाइट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, और इस कंपटीशन फाइट में ये आपको हेल्प करेगा और ये आपके स्कोर को हाई करेगा। तो चलिए देखते हैं हम इन टिप्स के बारे में। टिप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको चैनल के जो भी नोटिफिकेशन होगी न्यू वीडियोज की, वो आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 1 है प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस। ओके, तो प्रिंट आउट का क्या, सिलेबस से क्या रिलेटेड हो गया हमारी इस टिप्स का? तो ये हमारे टिप्स का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस। तो ये इसमें क्या बेनिफिट होगा, एक तो अपन टॉपिक वाइज प्लानिंग कर सकते हैं और हम मार्किंग कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स क्लियर हुए हैं या नहीं। सेकंड नंबर जो हमारी टिप्स है वो है स्टडी स्ट्रेटजी। देखिए, सिलेबस हमारे पास आ गया है और अब हमको बनानी है एक स्टडी स्ट्रेटजी। स्टडी स्ट्रेटजी से क्या होगा कि सेल्फली बनानी पड़ेगी, और इससे क्या होगा कि ये ही एकमात्र ऐसा औजार है जिससे आप एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो एक लिमिटेड जो क्रॉस मार्क्स हैं आप उसको क्रॉस कर सकते हो। ओके, तो ये एक औजार की तरह है, तो आप इसको सेल्फली फॉलो करना है। और इसमें बेस्ट मेनली करना क्या है कि इसके अंदर जो है स्ट्रेटजी के अंदर, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट हैं और उसको टाइम के साथ सेट कर सकते हैं। इसमें जो हैवी लोड वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम, और इजी वाले जो हैं उसको उसके अकॉर्डिंग। तो यानी हर सब्जेक्ट को या हर टॉपिक्स को उसके अकॉर्डिंग अपने को टाइम देना है। तो यानी कि जो स्टडी स्ट्रेटजी है वो फुल अपने ऊपर डिपेंड है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रेटजी बनाना है स्टडी की। ओके, तो हर टॉपिक्स का आप अलग अलग टाइम पीरियड बांट लेवें, तो ये एक स्टडी स्ट्रेटजी बनती है। इस स्टडी स्ट्रेटजी आपके बहुत सी हेल्प करने वाली है एग्जाम्स के क्लियर करने में, और जो भी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे सारे आपके, जो भी आप स्ट्रेटजी एक अच्छी बनाएंगे, क्योंकि ये सारी आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ, मेक सेल्फ नोट्स। ओके, तो जैसे जैसे आप सिलेबस आपके सामने है और सिलेबस के बाद में आपने स्टडी स्ट्रेटजी बना दी है टॉपिक वाइज की, तो अब उन टॉपिक्स के अपन को क्या करने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हम नोट्स जो हैं, यानी कि शॉर्टली जो बनाते हैं, यानी कि कोई एक बहुत से बड़े 10 पेज का जो है उसका सारा निचोड़ हम एक पेज या 2 पेज के अंदर हम उसका बना रहे हैं। यानी उसमें से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, थ्योरीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन सबको इंक्लूड करना है उसमें। तो देखिए, स्ट्रेटजी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मेक नोट्स। ओके, और ये नोट्स आपको अपने सेल्फली बनाने हैं। ओके, तो नोट्स में हम क्या करते हैं, एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए तो ये सारे हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और इसकी जब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट रोल की, तो ये एग्जाम टाइम में रिविजन में आपके लिए एक एनर्जी बूस्ट की तरह वर्क करता है। ओके, और जिससे आप एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के अंदर क्विक रीडिंग में हम इसको बेस्ट स्कोर दे सकते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। ओके, बढ़ते हैं हम हमारी अगली टिप्स की तरफ, टिप्स नंबर 4। ओके, टिप्स नंबर 4 एंड लास्ट जो है ये है कि 3 ईयर एग्जाम पेपर्स। लास्ट 3 ईयर एग्जाम पेपर्स, जैसा जैसे ही हमने क्या कर लिया था, हमारे सामने सिलेबस था, स्टडी स्ट्रेटजी बनाई थी और हमने टॉपिक्स के नोट्स बना दिए। नोट्स बनाने के बाद सबसे बेस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि लास्ट 3 ईयर के पेपर हमको सॉल्व करने हैं। जैसे ही हमने मान लिया कि लास्ट 3 ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे, इससे बेनिफिट क्या है या ये आपको क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम पेपर के लेवल को चेक करने के लिए, और प्लस हमारी प्रिपरेशन कैसी है उसको चेक करने के लिए। यानी कि ये हमें मदद करेगा किसमें, एक तो हमारी प्रिपरेशन का लेवल चेक करने में, और एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के लेवल चेक करने में। ओके, तो एग्जाम पेपर को अगर हम बिना किसी भी दिक्कत के हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, बिना किसी भी दिक्कत के हम अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यानी कि हमारी प्रिपरेशन सही है। और अगर पेपर सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो फॉलो करना है वापस ट्रिक को और चेक करना है कि आखिर हमारी गलती कहाँ हुई है। सारे टिप्स को देखिए, कंटिन्यूटी देखना है उन टिप्स को कि टिप्स के अंदर क्या क्या चीज़ थी। तो टिप्स के अंदर जो जो चीज़ थी उन सबको क्विकली एक बार देख लेते हैं कि प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस,
स्टडी स्ट्रेटजी, मेक सेल्फ नोट्स एंड लास्ट 3 ईयर सॉल्व एग्जाम पेपर्स। तो सबसे पहले अगर हमारे मान लो लास्ट 3 ईयर पेपर्स हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारी गलती कहाँ हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सिलेबस हैं जो करेक्ट हैं। ओके, सिलेबस हो गया, उसके बाद हम स्टडी स्ट्रेटजी, हमारा कौन सा टॉपिक आखिर छूट रहा है, उस स्टडी स्ट्रेटजी के अंदर उस टॉपिक को हम ज़्यादा टाइम देंगे या फिर उस स्टडी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाएंगे। ओके, और उसके नोट्स बनाएंगे। और जैसे ही हमारे सामने सारे टॉपिक्स की स्टडी स्ट्रेटजी हमने बना ली है, अब हम क्या करेंगे, सेल्फ नोट्स को बनाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास सेल्फ नोट्स तैयार है सारे, तो हम लास्ट ईयर के 3 ईयर के जो पेपर्स हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और अगर आराम से सॉल्व कर पा रहे यानी कि आपके प्रिपरेशन बहुत बेस्ट है। ओके, तो ये थी आज की हमारे सारी टिप्स जिसे आप फॉलो करके श्योरली आप अपना 100% जो है स्कोर आप बढ़ा सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू।